देखो मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ कि ये लीड कोड करने का एक तरीका है, डीएसए करने का एक तरीका है। क्विक समझते हैं कि वो क्या तरीका है, बेस्ट तरीका क्या है और आप किस तरीके से अपनी मैक्सिमाइज कर सकते हो लर्निंग। कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर लेट्स से मैंने कुछ को ट्राई करा, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं टू सम की प्रॉब्लम है, हमें दो इंटीजर ढूंढने हैं जिनका सम 9 है, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने फॉर लूप लगाया, पहला फॉर आई इन रेंज, दूसरा फॉर लूप लगाया फॉर जे इन रेंज, ठीक है। उनका सम चेक करा यहाँ पे और रिटर्न ट्रू कर दिया, ठीक है। और अगर नहीं मिला तो मैंने कुछ और रिटर्न कर दिया। तो ये मैंने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा। अब ये कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे, चार पांच चीजें क्या कर सकते हो आप। फर्स्ट तो ये कर सकते हो कि सोचो, ऑब्वियसली सोचो उसके बारे में, जितना भी आप सोच सकते हो, पैटर्न सोच सकते हो, लॉजिक सोच सकते हो, जितना भी उसे सोचना है पहले सोचो, नोट्स बनाओ उसके कि ये मैंने सोचा, विजुअलाइज करो अपने दिमाग में कि ये नोट्स हो सकते हैं, ये ऐसे है, 275 ढूंढना है, 27 ढूंढना है, 25 ढूंढना है। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि विजुअलाइजर पे जा सकते हो, एल्गो विजुअलाइजर, एल्गो एल्गो विजुअलाइजर पे जा सकते हो, इस पे विजुअलाइज कर सकते हो। बट ये मतलब अभी तो ये है कि विजुअलाइज ऐसे करना है, ये बता रहा हूँ। अभी ये नहीं कह रहा कि यहाँ आप चले जाओ, मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ आपको विजुअलाइज ऐसे करना है कॉपी पेन पे, दैट इज स्टेप टू, ठीक है, दैट इज स्टेप टू। थर्ड चीज आपको ये करनी है कि अगर नहीं होता 20-25 मिनट में, तो आपको यहाँ पे सोल्यूशंस देखने ही पड़ेंगे, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखने के लिए क्या कर सकते हो, वोट्स या फिर हॉट पे जा सकते हो, देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे गिवन है, वीडियो ट्यूटोरियल भी देख सकते हो और ये देखने की कोशिश करो, समझो इसको कि व्हाइल लूप लगा हुआ है, नम लिया है उन्होंने, कॉम्प्लीमेंट लिया, अगर कॉम्प्लीमेंट सीन में है जो कि डिक्शनरी है तो रिटर्न कर दो, नहीं है तो ऐड कर दो, ठीक है। तो प्रॉब्लम भी देख सकते हो कि इन्होंने टू सम प्रॉब्लम एक्सप्लेन भी करी हुई, ये भी आपका ठीक है, ठीक है। दूसरा देखो, ठीक है, मोस्ट वोट्स पे जाओ, मोस्ट वोट्स पे जाओ, थ्री मेथड्स देखो राहुल वर्मा के, पहली अप्रोच क्या है पढ़ो, दूसरी अप्रोच क्या पढ़ो, ठीक है। हैश टेबल बनानी है, क्यों बनानी है हैश टेबल, ये देखो ये बनानी है, इसलिए हैश टेबल बनाने के बिना क्या होगा, ब्रूट फोर्स है जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ब्रूट फोर्स है, हैश टेबल बना लोगे तो हैश टेबल बना लो ऊपर ऐसे, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। दो सोल्यूशन है, ऑप्टिमाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह आपने समझ ली इन सोल्यूशन से। अब आप तीसरी चीज ये कर सकते हो कि आप इसको डिस्कस करो किसी ना किसी के साथ, अपने दोस्त के साथ, किसी बंदे के साथ डिस्कस करो, किसी से पूछो, किसी से डिस्कस करो इस चीज को। तभी मैं बोलता हूँ कि दोस्तों के साथ हमेशा करना चाहिए लीड कोड को, ताकि आपकी हेल्प बनी रहे, किसी ना किसी के साथ करो, आप कम्युनिटी ज्वाइन करी हो हमारी तो वहां पे पोस्ट करो कि ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा है, आप बताओ मेरे को कैसे करना है, ठीक है, ये कर सकते हो, तो ये पोस्ट करो, दैट इज अनदर थिंग। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है वीडियो जरूर देखो अगर आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। सोचो सोल्यूशन, ठीक है, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स और देन देखो आप वीडियो। वीडियो नहीं देखोगे तो काम नहीं चल पाएगा भाई, वीडियो देखो, ठीक है, वीडियो देखोगे तो आपको बहुत जबरदस्त समझ में आ जाएगा, क्लियर क्लैरिटी हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, विजुअलाइजेशन टूल में जाओ, अगर कोई बैक ट्रैकिंग है, कोई बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको नहीं समझ में आएगी तो विजुअलाइज करो, यूट्यूबर्स भी हैं बहुत सारे जो इस चीज को विजुअलाइज करके आपको दिखाएंगे, वहां से पढ़ो, तब जाके आपके दिमाग में एक प्रॉब्लम फीड होगी। ऐसा नहीं करना कि फटाफट भागने के चक्कर में लगे हुए हो और आप फटाफट क्वेश्चन पे ले जा रहे हो। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें चैट जीपीटी पे जाना है, ठीक है। क्या लिखना है, गिव मी 5 प्रॉब्लम्स सिमिलर टू टू सम ऑन लीड कोड, ये लिखो, ठीक है। ये बताएगा तुम्हें, 5 प्रॉब्लम बताएगा, ठीक है, पहले ये चेक करो और इंक्रीजिंग डिफिकल्टी पे थ्रीसम को सॉल्व करो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद लिखना है गिव मी द सॉल्यूशन फॉर टू सम स्टेप बाय स्टेप विद कमेंट्स, ये लिखो, कमेंट्स लिखवाओ, कमेंट्स लिखेगा, कमेंट्स को पढ़ो, ठीक है, क्रिएट करो डिक्शनरी, इटरेट करो, कैलकुलेट करो, कॉम्प्लीमेंट ये वो फलाना ढंगाना, ठीक है, ये करो। टाइम स्पेंड किसी भी कोर्स से, किसी भी जगह से, किसी भी कहीं से भी आप किंग नहीं बन सकते डीएसए के, आपको इसके 200-250 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे ऐसे कम, जब तक टाइम नहीं लगाओगे यहाँ पे तब तक काम नहीं चलेगा। और चैट जीपीटी आपके बहुत एडवांस क्वेश्चन भी सॉल्व कर देता है, तो इस पे टाइम लगाओ, भर भर के टाइम लगाओ, भर भर के, जितना टाइम लगाओगे उतना कम है, जितना टाइम लगाओगे उतना कम है, ठीक है। अब आपने क्या करा, सिमिलर क्वेश्चन भी देख लिए, भी कर लिया, अब आप रिविजन के लिए नोट बना लो, नोट्स बना लो या फिर हमारी गाइड लिख लो, दो चीजें, तो आप समझ रहे हो, ये एक पूरा प्रोसेस है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये नहीं है कि नहीं हुआ पेल के आगे बढ़ गए, उससे कुछ नहीं हुआ,
प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे इंक्रीज होगी, तभी तो होगी जब आप ये क्वेश्चंस ऐसे ऐसे कर रहे हो। तो ध्यान दें, जबरदस्त आपको मेहनत लगेगी इसमें, बट बहुत यही बेस्ट तरीका है डीएसए को करने का, तो इस पर पूरा ध्यान लगाओ।